Assalamualaikum स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर हीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। वीडियो देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तमाम स्टूडेंट देखने से हिस्सा लें। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करें। जी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। m और c की हमने वैल्यू फाइंड करनी। क्वेश्चन 4 में हम m फाइंड करेंगे और c फाइंड करेंगे। फॉलोइंग लाइंस बाय एक्सप्रेसिंग देम इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये जितनी भी हमारे पास इक्वेशंस गिवन है उनको हमने इस तरह कन्वर्ट करके m और c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यानी पहले हम y को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन 4 पार्ट ए है हमारे पास, 2x plus 3y minus 1 equal to 0। अब इसमें सबसे पहले हम y को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद हम इसको कंपेयर करेंगे तो देखेंगे इसमें। अब इसमें -1 इधर आएगा, +1 हो जाएगा। 2x plus 3y is equal to 1। अब ये +2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगा। 3y is equal to -2x मैं पहले लिख दूंगा, -2x plus 1। ये पहले इस वजह से लिखा कि हमारे पास x की वैल्यू पहले लिखी हुई है, तो इसको पहले लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमें y चाहिए, 3 मल्टीप्लाई द डिवाइड हो जाएगा, y इज इक्वल टू -2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। अब इसे हम इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू -2 बाय 3x प्लस इधर आ जाएगा 1 बाय 3। अब इसको हम कंपेयर करेंगे y is equal to mx plus c के साथ, ये जाएगा y is equal to mx plus c। कंपेयर करने से हमें m की वैल्यू यहाँ से -2 बाई 3 मिलेगी और c की वैल्यू यहाँ से 1 बाई 3 मिल जाएगी। ये हमारे पास m और c की वैल्यूज आ। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट b है, 3 पार्ट है हमारे पास, x माइनस 2y इज इक्वल टू -2। अब यहाँ भी हम y को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके लिए -2y इधर आएगा तो +2y हो जाएगा। x इज इक्वल टू -2 प्लस 2y। अब -2 इधर आएगा तो ये +2 हो जाएगा। x plus 2 is equal to 2y। हमें y चाहिए, 2 मल्टीप्लाई करेगा तो डिवाइड हो जाएगा, x plus 2 divided by 2 equal to y। यहाँ से y equal to ये हो जाएगा x by 2 plus इधर 2 by 2। इंडिविजुअल हम इसे डिवाइड। अब फर्दर क्या होगा, 2 से ये 2 कैंसिल, 2 1 बाई 2, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 बाई 2x प्लस 1। ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब इसको कंपेयर करेंगे हम y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ। यहाँ से हमें m की वैल्यू 1 बाई 2 मिलेगी, m इक्वल हो जाएगा 1 बाई 2 और यहाँ से c की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ये था पार्ट नंबर b। नेक्स्ट पार्ट c है, 3x पास 3x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हमें y को सब्जेक्ट बनाना है। अब देखेंगे इसमें ये माइनस वन इधर आएगा तो प्लस वन हो जाएगा, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू वन। ये प्लस 3x इधर आएगा तो माइनस 3x हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस वन। एक्स वाली टर्म्स को पहले देखते हैं, अब इसको कंपेयर करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ से m की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी और c की वैल्यू 1 आ जाएगी। m हो जाएगा माइनस 3 और हमारे पास c की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। ये हमारे पास m और c की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट डी है, पार्ट डी हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। y को सब्जेक्ट बनाना ही है, माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई। अब ये प्लस 7 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 2x माइनस 7 इक्वल टू वाई। इसको y को पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 7। अब इसे हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। तो अब यहाँ क्या होगा, हमारे पास m की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी और c की वैल्यू माइनस 7। m 2 आ जाएगा और c की वैल्यू माइनस 7 आ जाएगी। ये इसका आंसर है। ये था पार्ट नंबर बी। अभी नेक्स्ट पार्ट नंबर ई और एफ है, अभी हम पार्ट ई देखते हैं उनसे सॉल्व। जी नेक्स्ट पार्ट नंबर ई है हमारे पास 3 माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। वाई का सब्जेक्ट बनाना है, ये माइनस 2x इधर आएगा प्लस 2x हो जाएगा, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2x। ये प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब यहाँ हम कंपेयर करेंगे इसको, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू 2 आ जाएगी और नेक्स्ट c की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी। ये हमारे पास m और c की वैल्यूज आई। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट f है, पार्ट f है हमारे पास 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 3। अब इसका हम फर्दर सॉल्व करेंगे, प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू वाई। यहाँ से y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 कंपेयर करना है। कंपेयर हम करेंगे इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। यहाँ से हमें m की वैल्यू जो है वो 2 मिलेगी और नेक्स्ट c की वैल्यू माइनस 3 मिलेगी। ये इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है इसमें कोई मसला नहीं है। एम और सी की वैल्यूज का एक क्वेश्चन लाजमी तौर पे बोर्ड में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आप तवज्जो से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द लाइन और नॉट। एक लाइन हमें गिवन है, हमने ये बताना ये पॉइंट का लाइन के ऊपर लाई करता है या नहीं। तो इसका इजी वे यही है कि आप उस इक्वेशन यानी इस पॉइंट को उस इक्वेशन में अप्लाई करें। अगर दोनों साइड इक्वल होती हैं तो पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करेगा, अदरवाइज लाई नहीं करेगा। अब इसमें क्वेश्चन 5 में जो इक्वेशन गिवन है वो जरा देखें। हमें इक्वेशन गिवन है 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमें इक्वेशन गिवन है। अब हमें इसको यानी जो पार्ट 1 है पॉइंट को अप्लाई करना है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 2 3, अब यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 2 है और y की वैल्यू 3 है। इसको हम अप्लाई करेंगे इक्वेशन में, ये हो जाएगा 2 × 2 माइनस वाई की वैल्यू 3 प्लस 1 की इक्वल टू 0। अब 2 → 4, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। लेकिन हमें पता है 2 0 के इक्वल नहीं होता। जब 2 0 के इक्वल नहीं है तो इट मीन दोनों साइडें इक्वल नहीं है। जब दोनों साइडें इक्वल नहीं है तो पॉइंट लाई नहीं करेगा, पॉइंट नॉट लाई ऑन द लाइन, पॉइंट है वो लाइन के ऊपर लाई नहीं। ये फर्दर इसमें सेकंड पार्ट 0 0 है हमारे पास, 0 0। अब यहाँ हमारे पास x भी 0 y भी 0 है। इक्वेशन में अप्लाई करेंगे तो ये देगा 2 × 0 माइनस वाई की जगह भी 0 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये 0 प्लस 1 इक्वल टू 0, लेकिन हमें पता है 1 जो वो 0 के इक्वल नहीं होता। तो ये भी हमारे पास पॉइंट लाइन के ऊपर लाई नहीं करेगी, नॉट लाई ऑन द लाइन। ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट पार्ट 3 है। पार्ट 3 है -1 और 1। अब यहाँ x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 1 है। इसको हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × -1 माइनस वाई की जगह 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 × -1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0 और ये -2 इक्वल टू 0। लेकिन हमें पता है कि -2 जो वो 0 के इक्वल नहीं होता। तो ये भी पॉइंट लाइन के ऊपर लाई नहीं करेगा, नॉट लाई ऑन द लाइन। जी नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4 है इसका 2 5। अब इसमें x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 5 है। इसको अप्लाई करेंगे हो जाएगा 2 × 2 माइनस वाई की जगह 5 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये 2 × 4 माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। 4 - 4 0 होता है। अब 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दोनों साइडें इसकी इक्वल हो चुकी, तो हम कह सकते हैं पॉइंट अब लाइन के ऊपर लाई करेगा, पॉइंट लाई ऑन द लाइन। दोनों साइडें इक्वल होंगी तो पॉइंट लाई करेगा, अदरवाइज पॉइंट लाई नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है इसका पार्ट 5 5 3। अब यहाँ x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 3 है। इक्वेशन में अप्लाई करेंगे 2 × 5 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 × 5 = 10, 10 माइनस 3 7 प्लस 1 इक्वल टू 0, 8 इक्वल टू 0। लेकिन हमें पता है 8 0 के इक्वल नहीं होता, तो यहाँ भी पॉइंट लाइन के ऊपर लाइन नहीं करेगा, Not lie on the line। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गया। उम्मीद है समझिए, इसमें कोई मसला नहीं है। इसको करें, समझें, कोई होगा तो हमें से डिस्कस करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।